हाँ बेबी। हेलो। अच्छा काम खत्म हुआ या नहीं? काम अभी चालू है, थोड़ी देर बाद खत्म होगा। आई डोंट थिंक आज निकल पाऊंगा मैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा है बाहर। कल सुबह निकलूँगा फार्म हाउस से, तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आज रात की तो बात है, देखो तुमने दवाई ली या नहीं। प्लीज इग्नोर मत करना। अब हाँ बाबा ले ली मैंने, देन मुझे मिस तो नहीं कर रही। कोर्स करती हूँ। शिखर प्रेजेंटेशन रेडी है, तुम एक बार देख लो तो मैं निकलूँ। हाँ आया। चलो बेबी, हाँ जाना होगा मुझे। ठीक है चलो बाय बाय। यार 5 स्लाइड में थोड़े चेंजेस हैं, वो तो कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। और क्या जाऊं, साले बाहर का मौसम देख कितना खराब है, घड़ी की ओर देख ले, रात के 12:30 बज गए हैं। जाएगा कैसे? एक काम कर, आज रात यहीं रुक जा। यार तुझे तो पता ही है ना, मुझे ऐसे ही किसी के यहाँ रुकने की आदत नहीं है यार, मुझे नींद नहीं आती यार, और ये सारी प्रॉब्लम भी तेरी वजह से ही हुई है। बहुत शाम से बोल रहा था ना तू, थोड़े टाइम बाद, नहीं तो फील्ड विजिट के बाद ही चला जाता मैं। पर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, एक रात की तो बात है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फार्म हाउस पे हम दोनों अकेले हैं यार, और ठंडी बियर भी तो साथ में है। अच्छा चल ठीक है। साले बियर का नाम सुनते ही फैसला बदल दिया। चल अब तुझे इल्यूजन बताता हूँ। ओह गॉड नॉट अगेन यार, साले तेरे इल्यूजन से फट जाती है मेरी। हंस रहा है? साला कितना डरता है तू, रुक। ये मेरी नोवा डॉल, इस वक्त जो मेरी क्लास में है अब तेरे पास आकर बैठ जाएगी। ओह शिट नो, तू ऐसी उलटपटांग हरकतें क्यों करता है यार? देखा सारी उतर गई ना, साला कितना डरता है तू। चल अब ऊपर जाके सो जा। और सुन, नोवा डॉल अगर वापस आए ना तो डरना मत। चल अब ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जा। यार नीचे वाले रूम में ही रुक जाता हूँ ना। देख डर मत, बैठ, फील कंफर्टेबल यार, पास वाले कमरे में मैं रुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आवाज लगा देना, पास में ही तो हूँ। हाँ सुन, उस ऊपर वाले ड्रॉअर में कपड़े रखते हैं, चेंज कर लेना। ठीक है ओके भाई, चल बाय, गुड नाइट। बाय भाई। मेरा नाम टिया सक्सेना है। कुछ महीनों पहले सब खुशहाल था, मैं अपनी माँ कविता और पापा राजवीर के साथ खुश थी। पर कहते हैं ना, समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। शायद मेरे नसीब में बस चंद पल की खुशियाँ लिखी थी। हमारे छोटे और सुखी परिवार में
रुके बादल तब आए जब माँ की मौत एक ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में हुई। माँ मेरी नानी के घर चंडीगढ़ को जा रही थी। माँ के जाने के बाद पापा पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो घंटों अपने कमरे में रोया करते थे और सहन से ही गए थे। फिर वक्त गुजरते ही पापा ने शराब का सहारा लिया और फिर पापा आप प्लीज रोइए मत ना, आप तो मेरे हीरो हो ना, मैं अपने हीरो को रोते हुए नहीं देख सकती। पापा तुम कोई आसान बात है नहीं है ना? नहीं है, पापा की बात मानना है तुम्हें, अच्छा बच्चा है ना? बस वो दिन था और आज मुझे 2 हफ्तों तक घर से बाहर जाने नहीं दिया गया। फिर उस मनहूस घड़ी में मेरे दोस्त वरुण का मुझे कॉल आया। हेलो, मैं टिया का दोस्त वरुण बोल रहा हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? टिया, 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 वरुण कौन है? कौन है? कहा था तुम्हें लड़कों से दूर रहने के लिए? कहा था कि नहीं? इस दुनिया से जाना चाहती थी ना? क्या ये सिखाया मैंने और तुम्हारी तुम्हारी माँ ने? घूमना फिरना हमारा गर्दी करता लड़कों के साथ फिरना, चलो मारी सी तुम्हें। उस दिन मैंने अपने पापा को राक्षस बनते देखा। He was not a hero to me anymore. He was more like a villain now. और फिर मैं एक गलती कर बैठी। उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। आप सही कहते हो पापा, आपकी वजह से ही माँ की मौत हुई। इतना ओवर पजेसिव एटीट्यूड आखिर कौन सी औरत रहेगी आपके साथ? इस घर को जेल बना दिया है, जेल। मुझे घुटन होती है यहाँ। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। ये बात पापा को इतनी हर्ट हुई कि पापा ने सुसाइड कर लिया। हाँ, मैं ही बन गई अपने पिता की मौत की वजह। इस बात का अफसोस मुझे कई दिनों तक हुआ। पर कहते हैं ना
एक पिता की जान अपनी बेटी में बसती है। मौत के बाद भी पापा की रूह ने मुझे ना छोड़ा। कभी कभी रात को मुझे उन लोरियों की आवाज सुनाई देती जो जो माँ गाया करती थी। हाथों से बांधो पालना, पीपल से बांधो डोरी, नींद चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। क्या सोच रही हो भैया? पापा ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं? कभी कभी मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश करती तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। मैं अपने ही घर में कैद हो चुकी थी। और एक दिन वरुण मुझसे मिलने आया और जाते जाते उसने एक फ्रेंडली हग किया। और फिर उस रात पापा ने वही किया जो पहले किया था। वरुण आई बी फाइन, डोंट वरी, टेक केयर, ओके? पापा मैंने कुछ नहीं किया, पापा मैंने कुछ नहीं किया, पापा नहीं, सच्ची वरुण सिर्फ मेरा दोस्त है। बस अब मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था। ऐसे घुट घुट कर जीने का क्या मतलब? इसीलिए अब जिंदगी अपनी खत्म करने आज चली हूँ मैं। मौत के आगोश में समाने चली हूँ मैं। अब जीना मुश्किल लगता है। सारी बंदिशों को तोड़कर आज चली हूँ मैं। एक चिंगारी सी दबी थी मेरे दिल में, आज मिली हवा और जली हूँ मैं। माँ की ममता सताती है, पापा का खौफ डराता है। एक कैद पंछी सी ये मेरी जिंदगी को आज़ाद कर अपनी माँ के पास चली हूँ मैं। क्या हुआ भाई? कोई अंदर है? कहाँ पे? कोई नहीं है वहाँ पे। भाई मैंने किसी को देखा है अंदर। अरे तेरा वहम है रे, कुछ नहीं है अंदर वहाँ पे। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, और अंदर कोई है भाई? डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे जिंदगी की परवाह है। भाई मजाक मत कर। और जिसे जिंदगी की परवाह होती है ना, माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। तुझे क्या लगता है वो खत टिया ने लिखा था? तूने कभी टिया को देखा है? हाँ, कभी उससे बात की है? हाँ हाँ, बोलना बोलना। हाँ टिया को बनाने वाला मैं, उस कहानी को लिखने वाला मैं, और तेरी हंसती खेलती जिंदगी में फुल स्टॉप लगाने वाला मैं। डॉक्टर रॉय, शिखर की हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट? ऑफ कोर्स, बट अवंतिका जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब शिखर को इस तरह अकेला मत छोड़ा कीजिए। पर उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट था और मेरा जॉब भी, तो मैं उनके साथ नहीं जा पाई। अरे आप समझ नहीं रही हैं, शिखर को माइथोमेनिया है, और ऐसी बीमारी में लोग बार बार झूठ बोलते हैं। लोग बनी बनाई कहानियां बनाते हैं जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है। और
लोग किसी अपने ही के जान के दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसी बीमारी का लेवल बढ़ते ही इंसान एक साइकोपैथ मर्डरर बन जाता है। इसे इग्नोर मत कीजिए प्लीज। चलिए मैं अब निकलता हूँ, कुछ मेडिसिन भिजवाता हूँ, और वो जैसे ही आ जाए उन्हें मेरे पास लेकर आना। ठीक है। हेलो बेबी। हेलो। कैसी हो तुम? फार्म हाउस क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी बहुत दिनों से हमने हॉलीडे साथ में नहीं मनाया। कल वैसे भी गणपति है और परसों सैटरडे हॉलीडे हो जाएगा हमारा, तो तुम आ रही हो ना? हाँ अभी निकलती हूँ। अब कौन सी कहानी बनाऊँ? हाँ।